Assalamu alaikum students, as you all know that I am your English teacher Ms. Zuha Tabassum. Dear students, in the last class we were discussing some paragraphs of this chapter Nina and the Baby Sparrow, and today we will discuss also some paragraphs of this chapter. So let's start. Mother, I don't want to go to the wedding. But why? Nina said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? More tears rolled down Nina's cheeks. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are two baby sparrows in the nest. I see, said mother. They are just beginning to get their feathers, and growing up makes them so hungry. All day long they cry cheep cheep, asking for food. I see, said mother. If we go, the whole place will be locked, and how will Papa and Mama sparrows feed their babies? Okay students, now I am going to explain these paragraphs. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि जो मदर रहती है वो पूछती है नीना से कि बेटा तुम हर चीज़ के लिए मना क्यों कर रही हो, क्यों इनकार कर रही हो? तो अब नीना क्या जवाब देती है? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. अब नीना कहती है कि माँ, मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ. बट वाई? अब उसकी माँ पूछती है क्यों. नीना सेड नथिंग. इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. अब उसके बाद नीना कुछ नहीं कह पाती, तो नीना के कुछ कहने के बजाय क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसके गाल पे आ जाते हैं. टीयर्स मीन्स होता है आंसू. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. डोंट क्राई माई पेट, शी सेड. व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. अब उसकी जो माँ रहती है नीना की, नीना को पकड़ के कहती है कि बेटा मत रो, तो मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है. बॉदरिंग का मतलब परेशान करना. बॉदरिंग मीन्स क्या होता है? परेशान करना. More tears rolled down Nina's cheeks. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are two baby sparrows in the nest. अब उसके बाद जब नीना की माँ उससे कहती है कि तुम्हें ऐसी क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है, तो ये सुनने के बाद नीना और ज़्यादा रोने लगती है, और ज़्यादा आंसू उसके गाल पे आ जाते हैं. चीक्स मीन्स गाल. अब नीना कहती है, माँ मेरे रूम में बुक शेल्फ क्या होता है? वो अलमारी जहाँ पे बुक रखी जाती है. यानी मेरे रूम में, नीना क्या कहती है, मेरे रूम में बुक शेल्फ पर एक स्पैरो का घोंसला है. यानी एक स्पैरो ने घोंसला लगाया हुआ है, बनाया हुआ है. एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और उस घोंसले में दो बेबी स्पैरोज भी हैं. आई सी, सेड मदर. फिर मदर कहती है, अच्छा अब मैं समझी. दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स. अभी क्या है कि वो अभी बढ़ रहे हैं, मतलब अभी शुरुआत हो रही है उनके बॉडी पे. क्या हो रहे हैं? फेदर्स उग रहे हैं, निकल रहे हैं, पंख निकल रहे हैं. एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. और बढ़ने की वजह से वो क्या होते हैं, बार बार उन्हें भूख लग जाती है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप, आस्किंग फॉर फूड. और सारा दिन वो चिल्लाते हैं किसके लिए, खाने के लिए. और क्या चिल्लाते हैं? चीप चीप. आई सी, सेड मदर. अब मदर कहती है, अच्छा अब मैं समझी तुम क्यों रो रही थी, तुम क्यों परेशान थी. इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. अब फिर नीना कहती है, अगर हम जाते हैं या अगर हम जाएंगे तो सारा जो घर है, सारी जगह क्या हो जाएगी, लॉक्ड करके जाएंगे, बंद करके जाएंगे. एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज. और फिर पापा और मामा स्पैरोज कैसे अपने बेबी को खाना खिलाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स एनफ फॉर टुडे. I hope that all of you understood, and inshallah tomorrow we will discuss some left paragraphs. So Allah Hafiz.